नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों फाइनल अब देख सकते हैं मेरे हाथ में आ चुका है रियलमी का रियलमी C2, जो कि बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन है एंट्री लेवल के बजट के लिए। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं 5999 मतलब कि 6000 के प्राइस रेंज में इससे ज्यादा कौन सा भी स्मार्टफोन आपको देखने को नहीं मिल सकता। और दोस्तों इस रियलमी C2 को मैंने बाय किया था यहाँ पर सेकंड सेल में, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट सेल में जो फोन है कुछ यहाँ पर सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है। तो आज देख सकते हैं यहाँ पर मैं लाइव अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट डिलीवरी एंड अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको पहला चीज आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट का जो यहाँ पर बिल है, तो बिल को मैं यहाँ पर रखता हूँ साइड में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं येलो कलर का आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा रियलमी C2 का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रियलमी C2 की जो बॉक्स है, उसके बाद आप देख सकते उसके ऊपर जो प्लास्टिक का फॉर्म है उसके ऊपर मैं निकाल देता हूँ। और प्लास्टिक फॉर्म निकालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं शाइनी टाइप का आपको रियलमी C2 का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स थोड़ा सा यहाँ पर मोटा है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं बैक की तरफ से रियलमी C2 है, 2G वाला रैम है, 16GB का इंटरनल स्टोरेज है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कैमरा आपको देख सकते हैं 13+2 MP का कैमरा है, डायमंड ब्लैक कलर का डिजाइन है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन, जैसे कि आप देख सकते हैं 6.1 इंच की यहाँ पर डिस्प्ले है। उसके बाद 4000 mAh की बैटरी है, फ्रंट कैमरा देख सकते हैं 5 MP, और बाकी जो ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन आप सभी को पता हो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किया पर जल्दी से इस बॉक्स के ऊपर अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्लास्टिक का रैप है उसके ऊपर निकाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का सील, उसके ऊपर ब्रेक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स को फोड़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है रियलमी C2 के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स ओपन करने के बाद आपको पहला चीज़ देखने को मिल जाएगा और एक मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, है वेलकम टू रियलमी फैमिली। आप देख सकते हैं इस टाइप का मैसेज देखने को मिल जाएगा। और बैक की तरफ से देख सकते हैं आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के लिए। इसमें आपको डुअल सिम कार्ड प्लस 1 microSD कार्ड एक साथ लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी देख सकते हैं आप यहाँ पर वारंटी कार्ड है, जैसे पर यूजर मैनुअल कंपनी तरफ से। उसके बाद बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है रियलमी C2 डायमंड ब्लैक कलर का डिजाइन है। तो प्लास्टिक के अंदर देख सकते हैं रियलमी C2 का हैंडसेट है, और यहाँ पर प्लास्टिक को मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। और निकालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बैक की तरफ से आप देख सकते हैं रियलमी C2 का जो डिज़ाइन है स्मज फ्री डायमंड कट शेप का डिज़ाइन है, जो कि यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर डिज़ाइन है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी यहाँ पर डिज़ाइन है। तो बैक की तरफ से देख सकते हैं आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है विद LED फ्लैशलाइट के साथ, 13+2 MP कैमरा डिजाइन है। और फ्रंट की तरफ से देख सकते हैं आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर ड्यूल ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, 6.1 इंच के ऊपर HD+ डिस्प्ले है। तो दोस्तों जल्दी से इस फोन को कर लेता हूँ बूटअप, और बूटअप होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम ले जाएगा ऑन होने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है USB डेटा केबल, जो कि यहाँ पर USB डॉट केबल है, USB 2.0 नॉर्मल डेटा केबल आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं चार्जर आपको मिल जाता है, और चार्जर के ऊपर आउटपुट रेटिंग देख सकते हैं 5V 1 A आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 4000 बैटरी के ऊपर थोड़ा नॉर्मल एवरेज स्पीड से यहाँ पर चार्जिंग हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फोन के ऊपर ऑन कर लिया, और ऑन होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपके ऊपर यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि कलर वाइज इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। लेफ्ट की तरफ से पर स्वाइप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ऐप होल्ड मतलब यहाँ पर स्मार्ट आपको यहाँ पर असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। ऐप ड्रॉवर देख सकते हैं नीचे की तरफ से आपको स्वाइप करने के बाद आपको ऐप ड्रॉवर में एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, और काफी सारे एप्लीकेशन आपको इनबिल्ट प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ से देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस टाइप को देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं सेटिंग में जाने के बाद आपको फोन में जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं रियलमी C2 में आपको कलर का जो वर्जन है कलर 6.0 का पहले से प्री इंस्टॉल मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। साथ में एंड्रॉइड वर्जन देख सकते हैं आपको एंड्रॉइड 9.0 मतलब कि पाई अपडेट आपको आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी C2 में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रियलमी C2 काफी लकी ऑप्शन, जिसमें आपको कलर 6 और एंड्रॉइड 9 पाई अपडेट पहले से आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही था कुछ यहाँ पर सेटिंग एंड अबाउट फोन के यहाँ पर स्पेसिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल ओवरलुक, तो साइड की तरफ से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है, जिसके मदद से देख सकते हैं 2 नैनो का सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ में वॉल्यूम रॉकर की बटन से। उसके बाद दोस्तों दूसरे साइड में देख सकते हैं पावर बटन है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ से देख सकते हैं आपको स्पीकर मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं USB पोर्ट मतलब कि चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, माइक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 3.5 mm ऑडियो जैक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं टॉप की तरफ से आपको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती, कम से कम यहाँ पर एयर ब्लास्टर मिलना चाहता है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं रियलमी के फोन में अभी आपको एयर ब्लास्टर सेंसर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं फ्रंट सेंसर में आपको यहाँ पर 5 MP की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है ड्यूल ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। बैक की तरफ से देख सकते हैं आपको डुअल कैमरा सेटअप है, 30 MP+2 MP का कैमरा विद LED फ्लैशलाइट के साथ। और दोस्तों आप देख सकते हैं कैमरे के बाहर से आप देख सकते हैं आपको येलो टाइप के ऊपर रिंग देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफी शाइनी डिजाइन देखने को मिल जाता है, और स्मज फ्री डायमंड कट शेप डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, डायमंड ब्लैक डिजाइन है। तो दोस्तों इस टाइप का रियलमी C2 का यहाँ पर स्मार्टफोन आप देख सकते हैं 5999 मतलब की 6000 के प्राइस रेंज आपको जो फोन अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, हर 4-5 दिन के बाद उसका सेल लग जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।